दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बदलते दौर में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले ट्रेडिशनल सिर्फ मीडिया था, अखबार थे और ट्रेडिशनल टेलीविजन थे, लेकिन अब उसके साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया भी मैदान में आ गया है। ट्रेडिशनल मीडिया की अपेक्षा डिजिटल और सोशल मीडिया ज़्यादा व्यापक और तेज है, जो लोगों की पहुँच में है। हालांकि आज से कुछ दिनों पहले तक इसके लिए भारत सरकार का कोई भी कानून कार्यरत नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए और उसके नियमन के लिए नया कानून बनाया है, जिसका नाम रखा गया है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और इसके तहत महाराष्ट्र से सबसे पहले मीडिया नाइन डिजिटल मीडिया फेडरेशन की स्थापना की गई है, एक स्वयं नियामक है। इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मीडिया नाइन डिजिटल मीडिया फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री चेतन सत्ता जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो डिजिटल मीडिया रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और आपकी जो पहली जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मीडिया नाइन डिजिटल मीडिया फेडरेशन, उसको मान्यता दी है, सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं कि ये आपने प्रक्रिया शुरू की और यहाँ तक आपने पहुँचाया। सरकार का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माध्यम से आपने इस विषय को, जो हम अभी समाज के सामने न्यूज़ पोर्टल संपादक जो है उनके सामने रखने जा रहे हैं, एक अच्छा अवेयरनेस हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि ये पहली बॉडी नहीं है केंद्र सरकार द्वारा मीडिया नाइन डिजिटल मीडिया फेडरेशन, ये पहली बॉडी नहीं है बल्कि ये पांचवी बॉडी है, लेकिन महाराष्ट्र से पहली रजिस्टर्ड बॉडी है। और दूसरा कि इसके जरिए ही, मतलब मीडिया नाइन के ही जरिए नहीं, आप जितने भी बॉडी रजिस्टर्ड है उनमें से किसी के भी द्वारा आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते। सवाल ऐसा है कि ये डिजिटल मीडिया एग्जैक्टली है क्या? अब तक हमारे केंद्र सरकार के अंडर में दो मुख्य मीडिया थी, एक प्रिंट मीडिया जिसको हम न्यूज़पेपर, इसको प्रिंट पेपर निकालना अनिवार्य है और जो आरएनआई के अंतर्गत आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आ रहा है। दूसरा मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैं स्पेसिफाई करूंगा ओनली सैटेलाइट रजिस्टर्ड मीडिया। आई रिपीट, सैटेलाइट रजिस्टर्ड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसी का रजिस्ट्रेशन अब तक हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, एंड वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है और उनकी टीम है, उन्होंने एक अच्छा इथिक, जो नया एक डिजिटल मीडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, वो भी 21 मार्च में, जिसको नाम दिया है डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021। इस गाइडलाइन के अंदर में आप अपने न्यूज पोर्टल को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा आप इस इंफॉर्मेशन को आप केंद्र सरकार तक भेज सकते हो और इसकी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार तक जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के गाइडलाइन में आपको वो पोर्टल चलानी है। ये मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार का है, क्योंकि आज इतने सारे पोर्टल्स हैं जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, बट हालांकि वो पत्रकार है नहीं। मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब तक, देखिए, आपको अगर पत्रकार कहना है या तो आप प्रिंट मीडिया के पत्रकार होने चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होने चाहिए, मतलब ऑफिशियल आप पत्रकार कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग न्यूज पोर्टल ओपन करके अपने आप को मैं पत्रकार हूं करके ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस पर एक गाइडलाइन डाली कि हमारे गाइडलाइन में आपको काम करना है, हमारे गाइडलाइन में आपको न्यूज ब्रॉडकास्ट करनी है, और उस गाइडलाइन को प्रॉपर सेट करके उन्होंने डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021 की स्थापना की और इस जरिए डिजिटल मीडिया का उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया। दो ट्रेडिशनल फॉर्म है मीडिया के, एक तो अखबार मतलब प्रिंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आज के दौर में देखें तो बड़े पैमाने पर दूसरे भी माध्यम है, जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो जो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मीडिया नाइन डिजिटल फेडरेशन, महाराष्ट्र की पहली जो बॉडी बनी है, इसका जो प्रोसेस है क्या है, कौन कौन से इसके विकल्प हैं, जिस तरह से कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के लोग अधिकृत तौर पर अपने आप को मीडिया कर्मी कह सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहला तो आपकी एक ऑफिशियल पोर्टल होनी ज़रूरी है, विच हैज़ टू बी लाइव, जो लाइव होनी चाहिए। उस पोर्टल पर प्रॉपर न्यूज़
अपडेटेड होनी चाहिए yes. और ओनर का नंबर उस पोर्टल पे होना चाहिए. बेसिकली मैं आपको ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी काम कैसे करती है इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं. इसकी स्थापना क्यों की गई, मतलब सरकार को ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्यों बनानी पड़ी, इसके पीछे का रीजन बताओ. बेसिकली ये थ्री टायर थ्री लेवल मैकेनिज्म सिस्टम ग्रीवेंस थ्री लेवल ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम पे एक बॉडी काम करती है. जैसे कि अगर उस पोर्टल पर पहली कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले वो पोर्टल का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, जैसे कि अगर आपको किसी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा होना है तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल का ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है. यू हैव टू हैव वन ग्रीवेंस ऑफिसर. उसका काम क्या होगा कि आपके पोर्टल पर आए हुए जो भी कंप्लेंट है उसको पहले हैंडल करना. अगर उस ग्रीवेंस ऑफिसर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है या आपके इंडिपेंडेंट पोर्टल उसको हैंडल नहीं कर पा रही है तो सेकंड लेवल है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. ये सेकंड लेवल पर वो कंप्लेंट अपील कर सकता है. कंप्लेनेंट सेकंड लेवल पर अपील कर सकता है. अगर हो सकता है कि सेकंड लेवल पर भी अपील नहीं होता, ऐसा हालांकि होता नहीं क्योंकि हमारी लीगल टीम एकदम स्ट्रांग है एंड वी आर केपेबल इनफ टू हैंडल ऑल द कंप्लेंट्स. बट इन केस अगर कभी ऐसा होता भी है तो दे कैन ही कैन अपील टू द थर्ड लेवल दैट इज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन वो थर्ड लेवल तक जाने की कभी जरूरत आती नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लेवल पर ही सारे कंप्लेंट वो सॉल्व होते हैं. सर तमाम वेबसाइट तमाम जो अखबार हैं अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और जो तो क्या उन अखबारों को न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि अखबार तो आरएनआई से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. प्रोविजन किस तरह का, क्या कोई अखबार अगर अपना न्यूज पोर्टल चला रहा है तो वो लीगल है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अखबार जो आ रहा है वो आरएनआई रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया के अंडर में आ रहा है. आरएनआई ने जो रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट इज फॉर प्रिंट. प्रिंट ओके. अगर आपके पास आरएनआई का रजिस्ट्रेशन है तो आप प्रिंट मीडिया चला सकते हो, आप पेपर निकाल सकते हो. ओके. और आपको पेपर निकालना अनिवार्य है. अनिवार्य उस पेपर को आपको दिल्ली भेजना अनिवार्य है. उसका ईयरली एनुअल करना अनिवार्य है. ये सब चीजें आरएनआई की गाइडलाइन में है. तो वो चीजें करो. एज फार एज पोर्टल इज कंसर्न तो कुछ लोगों का अपने बराबर का कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारी तो आरएनआई के में रजिस्ट्रेशन है, हमारा पेपर है तो हम पर, तो ऐसा नहीं है. देखिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. आपके पास कार का लाइसेंस है लेकिन आपके पास लाइसेंस है प्राइवेट गाड़ी चलाने का तो आप कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते. अच्छा. लाइसेंस तो है कार का ही है लेकिन आपके पास प्राइवेट गाड़ी चलाने का है तो आप कमर्शियल गाड़ी को नहीं चला सकते. इसी प्रकार आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो आरएनआई का है, आपको पेपर निकालना है. पोर्टल के लिए आपको अलग से आपको जो एमआईबी की गाइडलाइन है उसमें आपको पोर्टल को आपको डालना जरूरी है. एसआरबी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्या इसके लिए कोई फीस भी देनी पड़ती है? किस तरह का प्रोविजन है कि कोई न्यूज पोर्टल आपके साथ आसानी से एसोसिएट हो सके और अधिकृत तौर पर वो अपने न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करा सके? जी सबसे पहले तो डिजिटल पब्लिशर उन लोगों को कहा गया है गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने जो अपनी पोर्टल चला रहे हैं यानी डिजिटल मीडिया के जो पब्लिशर है उनको डिजिटल पब्लिशर का नाम दिया है. ओके. सबसे पहले डिजिटल पब्लिशर को अगर अपना डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ आईबी में भेजना है तो नए गाइडलाइन अनुसार आपको किसी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट होना जरूरी है. यानी सेक्शन 1_2 के तहत आपको किसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा होना अनिवार्य है. तो जैसे आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा होने जा रहे हैं तो एज फार एज मीडिया 9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन इज कंसर्न हम लोग कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं ले रहे. बेसिकली गवर्नमेंट ने हम पर ये जिम्मेदारी दी है कि हम मैक्सिमम प्लेटफॉर्म लोगों को दो और उपलब्ध कराए और मैक्सिमम लोगों को हम जुड़ाए. उसके लिए हम कोई भी फिलहाल फीस नहीं ले रहे हैं और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है. हमें सिर्फ इतना है कि आपका पोर्टल लाइव होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन में होना चाहिए और आपके रूल के तहत गवर्नमेंट के गाइडलाइन में पूरी चीजें चलनी चाहिए. आपने पहले भी जिक्र किया कि जो लोग डिजिटल मीडिया चला रहे हैं अगर उनका अभी तक कहीं पंजीकरण नहीं है तो अपने आप को वो प्रेस वर्कर नहीं कह सकते या लीगल मीडिया उनको नहीं माना जा सकता. क्या एसआरबी में या डिजिटल रजिस्ट्रेशन के बाद न्यूज पोर्टल के बाद कोई पोर्टल का संचालक या उसके साथ काम करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो प्रेस आईडी बना सकते हैं या लीगल उनको फॉर्मेट में उनको अधिकृत किया जाता है? किस तरह का प्रोविजन है इसमें कि डिजिटल मीडिया में रजिस्ट्रेशन के बाद वो अधिकृत तौर पर प्रेस वर्कर माने जाए या मीडिया कर्मी माने जाए?
गुड क्वेश्चन. देखिए ऐसे एज फार एज प्रेस लिखना, आईडी के ऊपर प्रेस लिखना, यह भारत सरकार ने कहीं पर भी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई. यह आप ध्यान में रखिए, कहीं पर भी ना प्रिंट के लिए है ना इलेक्ट्रॉनिक कि प्रेस आप लिख सकते हो, ऐसा कोई गाइडलाइन. लेकिन अगर आप ऑफिशियल पत्रकार हो तो आप प्रेस लिख सकते हो. अब तक ये गाइडलाइन केवल दो लोगों के लिए ऑफिशियल पत्रकार थे जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एक तो प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लेकिन जो कि अभी थर्ड मीडिया डिजिटल मीडिया आईबी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, तो आप अगर किसी एसआरबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और आपके पोर्टल का नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वेबसाइट पर है तो आप ऑफिशियल न्यूज कलेक्ट कर सकते हो और ऑफिशियल कहीं पर भी जाके आप अपने आप को पत्रकार बोल सकते हो. एज फार एज प्रेस लिखना तो आपके ऊपर है, अगर आप लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो. क्योंकि जब मैंने यही विषय मैंने जब ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के ज्वाइंट सेक्रेटरी को जब मैंने एक वेबिनार में पूछा था तो उन्होंने यही सवाल जवाब दिया था कि आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई परमिशन स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन डायरेक्टिव किसी के लिए नहीं. आजकल सर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया बहुत विस्तारित तौर पर चल रहा है, तमाम ऐसे जो चैनल हैं जो यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं, तो क्या वो लीगल नहीं है? और अगर लीगल नहीं है तो क्या सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यानी डिजिटल मीडिया रजिस्ट्रेशन के बाद उनको भी न्यूज पोर्टल की तरह से कोई मान्यता है क्या? देखिए एज फार एज लीगलिटी की बात करें तो यूट्यूब के लिए कोई भी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अभी तक सेंट्रल ने स्टेट ने किसी भी चीज़ ने नहीं दिया है. और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यूट्यूब इज नॉट ए ऑफिशियल मीडिया. यूट्यूब एक केवल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप न्यूज़ प्रोडक्ट कर सकते हो, न्यूज़ बना सकते हो, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, बट यू कैनॉट से आई एम अ मीडिया पर्सन. क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल मीडिया पर्सन कहना है तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी है. और यहाँ पर भारत में केवल दो ही ऐसी संस्थाएं, दो ही ऐसी डिपार्टमेंट है भारत सरकार की, एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और आरएनआई, दूसरा इसके अंतर्गत ये जो पत्रकारिता या मीडिया आ रही है. तो यूट्यूब चैनल के लिए अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. हाँ अगर पोर्टल के बारे में कहूँगा तो पोर्टल के लिए भारत सरकार ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. मैं इसके लिए भारत सरकार को और उनके टीम को सच में मैं बधाई भी देना चाहूँगा और शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि उनके वजह से, उनके इस निर्णय की वजह से डिजिटल पब्लिशर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और डिजिटल पब्लिशर एक लीगलाइज स्टेज पर जा रहे हैं. एक अहम सवाल है कि आप स्वयं भी मीडिया नाइन न्यूज पोर्टल के आप संचालक हैं, संपादक हैं, तो आप जानते हैं कि इसके संचालन में तमाम तरह की रेवेन्यू की दिक्कतें आती हैं, तो आपको लगता है क्या कि अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक रास्ता तय होगा कि तमाम सरकारी जो संस्थान हैं वहाँ से विज्ञापनों को, जिस तरह से अखबारों को और टीवी चैनलों को विज्ञापन मिलता है, इस रजिस्ट्रेशन के बाद भी ये संभव हो पाएगा? डेफिनेटली संभव होगा. क्योंकि अब तक महाराष्ट्र से कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो महाराष्ट्र शासन तक ये बात पहुँचाए. अभी हमने इस बॉडी को रजिस्टर्ड कर लिया है, बॉडी फॉर्म हो चुकी है, एक्टिवली वर्क कर रही है, हमारे काफ़ी डिजिटल पब्लिशर्स जुड़ रहे हैं हमसे. तो हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हम महाराष्ट्र सरकार को यह अपील करेंगे कि हमारे बॉडी के जितने भी पत्रकार हैं उनको आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट या उनको लीगलाइज या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉडी पर जितने भी लिस्टिंग में डालना है या जो भी DGIPR के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें ताकि हमारे जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. और देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अब तक दो ही मीडिया थी, मैं पहले से ही ये इसको रिपीट करते हैं, अब तक दो ही मीडिया थी, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब ये थर्ड ऑफिशियल मीडिया इंप्लीमेंट हुआ है तो ये भी उसी लेवल पर अभी जाएगा, आज नहीं तो कल 100% उसी लेवल पर जाएगा जिस लेवल पर ये दो मीडिया अभी करंटली एक्टिवली है. तो इसके लिए आज भले ही ये चीज नया है, काफी लोगों के तक पहुंचा नहीं है, इसके लिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, क्योंकि काफी लोगों के मन में गलतफहमी अभी है कि हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे तो शायद फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उस पर हम नहीं जान. लेकिन वो गलत फहमियों को दूर रख के मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में अपने आप को रजिस्टर करें और अपने पोर्टल को प्रॉपर एक मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में डालें ताकि आपको भविष्य में इसका बड़ा ही फायदा होगा, आपकी पोर्टल लिस्टिंग होगी गवर्नमेंट के. आज के दौर में इस तरह के रजिस्टर्ड डिजिटल मीडिया को अच्छा कोऑपरेशन मिलने वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा. एक्चुअली देखिए बात ऐसी है कि हम जब ये पोर्टल चला रहे थे
तो कई जगहों से हमको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन क्या है, आप किस बेस पे न्यूज चला रहे हैं। तो हालांकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन हमने हमारे न्यूज पोर्टल के तौर पे हम चला रहे थे, लेकिन कहीं पर भी हम अपने आप को पत्रकार नहीं कह रहे थे, क्योंकि ऑफिशियली जब हम पत्रकार है ही नहीं, तो झूठ का गलत इन्फॉर्मेशन देना यह टोटली फ्रॉड है, चीटिंग है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि अगर हम, जैसे ही गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने गाइडलाइन पास की कि भाई हम इस तरह से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने आप को और हमारे जो मित्र है जो ऑफिशियली और प्रॉपर वे से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई न्यूज, ये गाइडलाइन डालने के पीछे थ्री लेवल जो मैकेनिज्म सिस्टम है, इसके पीछे का मैं कारण बोलता हूँ, कई ऐसे पोर्टल्स है जो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज को तकलीफ हो रही है, गलत काम कर रहे हैं, तो उस गलत काम पर कंट्रोल करने के लिए, उस गलत काम पर अंकुश डालने के लिए सेंट्रल ने इस प्रकार का ये निर्णय दिया कि भाई अगर कुछ गलत, कोई भी पोर्टल अगर गलत कर रहा है तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहे अभी पोर्टल्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो आप अगर कोई पोर्टल आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, तो आप तुरंत उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं स्थानिक पुलिस स्टेशन में जाके, क्योंकि उस पर कई धाराएं आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई पोर्टल किसी भी व्यक्ति को अगर परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, तो यू कैन गो इन लोकल पुलिस स्टेशन एंड यू कैन फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। बहुत सारे लोग आज भी डिजिटल मीडिया को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है या डिजिटल मीडिया कुछ और रूप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बीच में एक, आज भी जो भारत में जो इस तरह का डिजिटल मीडिया का दौर है उतना विस्तृत और विकसित नहीं हुआ है। ऐसे में आप किस तरह से इसे डिफाइन करना चाहेंगे ताकि हर जो न्यूज पोर्टल चलाने वाला या न्यूज से जुड़ा हुआ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो लोग हैं वो इस बात को समझें कि वो डिजिटल मीडिया के फ्रेम में आकर नियमों के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जी सर, देखिए ऐसा है, सबसे पहले एक चीज अपने को समझ में लेना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये दो टोटल डिफरेंट है, डिफरेंट चीज है, ये अलग है। सोशल मीडिया यानी आपकी फेसबुक है, यूट्यूब है, या ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया के, दे आर एक्चुअली फॉर सोशल एक्टिविटी, जैसे कि आपको कोई एक पोस्ट अपने आप को प्रेजेंट करना या जो भी एक्स वाई जेड है उसके लिए आप, एज फार एज डिजिटल न्यूज को आपको पब्लिश करना है तो आपको डिजिटल मीडिया का एक पार्ट होना अनिवार्य है। अभी डिजिटल मीडिया यानी क्या, आपको एक पोर्टल यानी www.media9news.com या tv1india.com इस प्रकार का कोई भी एक वेबसाइट, एक वेब पोर्टल आपको बनवाना है, किसी से भी आप बनवा सकते हैं, वो बनवाकर आपको प्रॉपर उसका SRB के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना है, तो आप एक प्रॉपर डिजिटल मीडिया पब्लिशर बनेंगे। तो मुख्य उद्देश्य डिजिटल मीडिया का क्या है, क्योंकि फेसबुक ये किसी की ओन्ड प्रॉपर्टी फेसबुक की है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं। आप जो भी कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं या फेसबुक पे डालते हैं वो आपकी नहीं होती, भले ही आपने उसको प्रोड्यूस किया हो, भले ही आपने उसको बनाया हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी यूट्यूब आपके वीडियोस को ब्लॉक कर सकता है, कभी भी फेसबुक आपके पोस्ट को निकाल सकता है, कभी भी फेसबुक आपके आईडी को ब्लॉक कर सकता है, यानी कुछ भी, सी दे हैव कंप्लीट राइट्स। इसके लिए वो मीडिया एक प्रॉपर न्यूज पोर्टल या न्यूज मीडिया नहीं हो सकती, लेकिन न्यूज पोर्टल जो होती है वो आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि आपकी पोर्टल आपके कंट्रोल में होती है, उसके ओनर आप खुद होते हैं। कभी भी आप डोमेन सर्च पे जाएंगे, अगर आप प्रॉपर आपका डोमेन डालेंगे www.tv1india.com तो आपका ओनर का नाम वहां मिलेगा, यानी होता क्या है कि यू आर दी ओनर ऑफ दी पोर्टल, सो यू हैव कंप्लीट राइट। यानी अगर आपको लगे कि मुझे ये न्यूज नहीं उतारनी है तो किसी भी हाल में न्यूज नहीं उतरेगी, अगर न्यूज चलानी है तो किसी भी हाल में न्यूज चलेगी। इसलिए डिजिटल मीडिया यानी न्यूज पोर्टल, ये ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको अब ये बात क्लियरली समझ में आएगी कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सोशल मीडिया ही डिजिटल मीडिया है, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि उस पर कंट्रोल आपका नहीं है, उस पर फेसबुक, ट्विटर और दूसरी जो कंपनियां हैं वो, उन कंपनियों का पूरा उस पर नियंत्रण चलता है, जबकि न्यूज पोर्टल पर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद की जिम्मेदारी होती है, खुद की ओनरशिप होती है। इसलिए ये नियमन का जो नियमन की जो शुरुआत हुई है सूचना प्रसारण मंत्रालय से, ये इसीलिए हुई है ताकि जिम्मेदारी आपकी ठहराई जा सके, आपका उत्तरदायित्व ठहराया जा सके। सर एक सवाल और है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है, वैसे ही काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेके काम कर रहे हैं, ऐसे नए लोगों को जो फ्रेम में आना चाहते हैं या जो लीगल उसमें व्यवस्था में अपने आप को डालना चाहते हैं, इस फेडरेशन के जरिए किस तरह की मदद आप उन्हें देने वाले हैं? जी देखिए ऐसा है,
कि अभी काफ़ी ऐसे पब्लिशर है, पब्लिशर में नहीं कहूँगा, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक YouTube चैनल चला रहे हैं, बूम हाथ में ले रहे हैं और शुरू हो रहे हैं कि भाई मैं पत्रकार और न्यूज़ चैनल शुरू। हाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पे जो कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री का ये पहला कदम है कि हमें सबसे पहले तो इसको प्रॉपर लीगलाइज करना है। हाँ। दूसरा, एज फार एज लोगों के पास अगर कोई एक बंदा है जिसको सच में कुछ अच्छा काम समाज में करना है, पत्रकारिता करनी है, प्रॉपर वे से करनी है और प्रॉपर लोगों तक वो चीज पहुंचानी है, बिल्कुल, तो उसके लिए हम जरूर मदद करेंगे। अगर किसी को पोर्टल बनवानी है हम उसको बनवा के देंगे, क्योंकि हमारी संस्था है जो वेब डिजाइनिंग में है, हम लोग खुद वेब डिजाइनिंग करते हैं, हम आपको एक प्रॉपर पोर्टल बना के देंगे, डोमेन रजिस्टर करके देंगे, उसको हमारे एसआरबी में शामिल करके हम आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचाने का काम भी करके देंगे। सर, संपादकों को, जो डिजिटल न्यूज पोर्टल के संपादक हैं, संचालक हैं, उनको आप क्या खास अपील करना चाहेंगे? देखिए, एज फार एज अपील की बात है तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई आओ जुड़िए वगैरह, बिकॉज हर एक की मर्जी है, हर एक का अपना निर्णय है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन में काम करना है, अगर आपको मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में काम करना है, प्रॉपर काम करना है, सीरियसली काम करना है, तो आप हमारे एसआरबी में आ सकते हैं। निःशुल्क रूप से हम आपको अपने एसआरबी में शामिल करेंगे। और इतना ही नहीं, जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि इस तरह से आप इलीगल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि आईपीसी धारा 415, 468 और 420 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब इज इलीगल। अगर आप यूट्यूब एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, नॉर्मल कि भाई मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, और यूट्यूब के वीडियोज बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप यूट्यूब चैनल के अंतर्गत अगर आप ये बोल रहे हो, प्रेस पर आईडी कार्ड लिख रहे हो या गाड़ियों पर आईडी कार्ड लिख रहे हो या फिर अपने आप को पत्रकार कह रहे हो, विच इज नॉट प्रॉपर, विच इज नॉट ऑफिशियल, इतना ध्यान रहे। और मैं लोगों से कहूंगा कि लीगल प्रोसीजर में अपना आइए और प्रॉपर गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस पहल की है, इसमें उसका साथ दीजिए प्रॉपरली, और हम सब मिलके इस डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मीडिया नाइन डिजिटल मीडिया फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट चेतन सत्ता जी ने आपको जानकारी दी है कि जो सोशल मीडिया पर चलने वाले न्यूज़ चैनल हैं वो आज भी इलीगल हैं, अगर उन्हें आपको नियमित होना है, लीगल होना है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा खर्च भी नहीं है, बहुत बड़ी अभी तकलीफ भी नहीं है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तमाम एसआरबी तैयार की है, आप कहीं से भी उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी बातचीत है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमें अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।